हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंचाइज, सभी का स्वागत करता हूँ वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करी जाए बिटकॉइन के बारे में। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था बिटकॉइन के दोनों ही लेवल्स के बारे में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये टिक नहीं पाया है, एंड कहीं ना कहीं जो कैंडल है वो हमें इसी लेवल के नीचे क्लोज होती हुई मिली है, जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर आज भी एक कहीं ना कहीं डिक्लाइन लगभग लगभग 3% के आसपास का देखने को मिला है। एंड इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट डेफिनेटली ले सकता है। आई थॉट कि वो 4 आवर में हमें एक सपोर्ट देखने को मिलता है मार्केट का, जिसको आप लगभग लगभग एज्यूम कर सकते हैं 46,000 के आसपास। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहने वाली है वो ये है कि जब तक अब मार्केट इस लेवल को वापस से ब्रेक नहीं कर लेता, जो कि 48,400 का है, मार्केट को ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और इवन दैट मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा क्रैश भी कर सकता है। तो आप में वो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन के लिए तैयार है ना, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक सपोर्टिव लेवल है और इसकी क्लोजिंग हम लोगों को कैसे भी करके 48,500 के आसपास या 400 के ऊपर हमें चाहिए रहेगी। अगर वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो जिस तरह यहाँ पे टकरा रहा है, बार बार टकरा के नीचे की तरफ गिर सकता है, और ये वाला जो बेस लेवल है 42,000 का, इसको टेस्ट करने के बाद वापस से अपने जो लेवल्स हैं उनके अंदर पंप यहाँ पे कर सकता है। ऑलरेडी इंडिकेटर्स पर बात करी थी, तो यहाँ पे RSI और MACD के अंदर दोनों के अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिला है। प्लस अगर डेली के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि आप इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आता है तो इसको कंप्लीट करेगा, एंड इसके बाद चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट इसको ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। लेकिन जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, हमें कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूज़न रहने वाला है मार्केट के अंदर, जिसको कि हम क्लियरली नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करेगा। क्योंकि अगर मार्केट को फॉल्स ब्रेकआउट करना है, मार्केट इसको फॉल्स ब्रेकआउट कर सकता है, नीचे इस लाइन को टेस्ट करने के बाद भी मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है, और ये कंडीशन अगर बनती है तो मार्केट कहीं ना कहीं 42,000 को टेस्ट करने नीचे आएगा। तो इसका मतलब सिंपल, और अगर आप MACD के अंदर देखें तो जो कल क्रॉस ओवर हुआ था, जिसको मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं फेक आउट हो सकता है, डेफिनेटली हमें एक बेरिश क्रॉस ओवर देखने को मिला है, और यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा भी करेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप इस चार्ट के ऊपर आते हैं, जिसको कि मैं वापस से हटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉचपॉच यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आप एक और चीज़ क्लियरली देख पाएंगे कि मार्केट जो अपना बहुत टाइम पहले से एक तरीके से एक जो राइजिंग चैनल बनाते आ रहा था, उसको भी ये करेंटली यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन के पास अभी 46,000 के आसपास एक लास्ट चांस है, वहाँ से अगर वो मूव लेता है या फिर अपसाइड जाता है, दैन डेफिनेटली ये जो पूरा पैटर्न है ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, और जितनी इसकी हाइट इस पोजीशन पे हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो अगर हम लोग इसके बैक पोर्शन को नापने की कोशिश करते हैं, दैन इसके ब्रेकआउट के बाद से मार्केट लगभग लगभग $60,000 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि फॉलिंग वेज जो राइजिंग वेज होता है ये एक बेयरिश पैटर्न है, और इसकी वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा हैवीली ये बन जाते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशंस हैं उनको थोड़ा रीड्राइव कर सकता है, और मार्केट के अंदर पोजीशंस इस तरीके से डाउनफॉल कर सकते हैं अराउंड 42,000 के लेवल में, देन यहाँ से जो मार्केट है वो आपको 60,000 के लेवल तक जाता हुआ मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको इस पॉइंट पे क्रूशियल रहना होगा, क्योंकि अगर मार्केट आपका 46,000 का उसको होल्ड कर लेता है, अच्छे से हमें कोई रिवर्सल साइन देखने को मिलता है, जो मे बी हो सकता है हमें इस वीकेंड के आसपास तक देखने को मिल जाए, देन हम लोग ज़्यादा अच्छे से उस पर ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हैं एक बड़े डिप का, और इस डिप के अंदर जब हम बाय अपॉर्चुनिटी वापस से मिलेगी तब हम दोबारा से 60,000 के लिए मार्केट को चेज यहां पे करेंगे। और ये अगर पूरा प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन मार्केट में होता है तो मार्केट का ये होगा शोल्डर, ये होगा आपका लगभग हेड, और यहां पे बन जाएगा आपका एक शोल्डर, जिसको कि आप चाहें तो फिर एक नेक लाइन के थ्रू भी यहां से एडजस्ट यहां पे कर सकते हैं। हालांकि नेक लाइन हमने पहले भी देखी थी, जहां पे कि मार्केट ने लगभग इस नेक लाइन को इधर ब्रेकआउट करा था, और यही बस इसका एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है, जो कि अगर यहां पे क्रिएट होता है तो हम लोगों को एक हेल्दी मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्लस इसके साथ बात करते हैं ईएमए रिबन के बारे में, तो आप ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि वन डे के अंदर जो ईएमए रिबन है वो भी लगभग 41,400 यानी कि 42,000 के एरिया के आसपास में, क्योंकि प्राइसेस जब तक नीचे आएंगे तब तक कहीं ना कहीं प्राइसेस नीचे की तरफ ड्रॉप करके आएंगे, तो आपका जो ईएमए रिबन है वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर चला जाएगा। तो लगभग हम 42,000 का जो एरिया है उसको हाईली सपोर्ट लेके चल सकते हैं, जिससे कि जब भी बिटकॉइन आता है वहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कि बिटकॉइन को सीधे $60,000 फिर पहुँचाएगा, एंड वो एक डिसीजन पॉइंट होगा कि बिटकॉइन स्टिल बुलिश है या फिर ये एक बेयरिश सेंटीमेंट होने वाला है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन होगा ऊपर का, ये पूरा की पूरा एक डिसीजन पॉइंट है, जहाँ पे बिटकॉइन के लिए डू और डाई सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे बनेंगी, लेकिन इसमें हो सकता है कि हमें सितंबर मंथ तक का टाइम यहाँ पे देखने को लग सकता है, सितंबर एंड के आसपास तक का, क्योंकि अगर प्राइसेस गिरते हैं तो ये मंथ तो ओवर हो जाएगा, इसके बाद फिर जब नेक्स्ट मंथ वापस स्टार्ट होगा तो जो रिकवरी है वो हमें देखने को
मिल सकती है। और इंडिकेटर्स मैंने आपको सारे बता ही दिए, यहाँ पे थोड़ा सा भी कह सकते हैं कि थोड़ा डाउनफॉल ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इवन दैट RSI 60 के थोड़ा नीचे आ गया जो कि बियरिश सिम्टम करता है, तो वापस 60 के ऊपर होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नहीं होता है तो यहाँ पर आप एक चीज़ मान के चल सकते हैं कि फिर यहाँ पर जो हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा और लगभग लगभग 50% के आसपास आके ये टेस्ट कर सकता है। MACD के अंदर ऑलरेडी हमें सेलिंग सिग्नल मिल चुका है, तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हिस्टोग्राम बड़े बनते हैं इस तरीके से तो आपको और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलेगा। और ये जो ट्वीट है ये बेसिकली मैंने आज यहाँ पे कर भी दिया था अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर कि मार्केट के अंदर पॉसिबल सिनेरियो है कि इस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। तो अगर आपने ट्विटर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कराए तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप अपडेट पहले पा सकते हैं, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर लग जाता है। बाकी बिटकॉइन का अभी भी जो पूरे सेंटीमेंट्स है वो बुलिश है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप कोई भी बहुत बड़े शॉर्ट्स ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स की पोजिशन मिल रही है तो डेफिनेटली आप ओपन करिए। और इसके साथ ही इस लेवल के ऊपर अभी खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो पूरा अभी लेवल जहाँ पे कि अभी प्राइस आपका होल्ड कर रहा है इस पोजीशन पे, ये थोड़ा सा क्रूशियस हो जाता है। जहाँ से अगर बाउंस मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आपको एक शॉर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे कि प्राइसेस 41,000-42,000 के रेंजेस में ड्रॉप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अपने ओन एक्सपीरियंस यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसको सीखने के बाद आप केवल क्रिप्टो में नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, यानी कि सभी के सभी मार्केट के अंदर इजी तरीके से ट्रेडिंग यहां पे कर सकते हैं। ये कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही वर्जन्स में अवेलेबल है, जहां पे कि आप बेसिक से लेकर एडवांस चीजों को सीखते हैं और आप EMI के अंदर भी सारी चीजों को पे ऑफ यहां पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी इस email ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इस telegram ID@cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहां पे नहीं है। फाइनली दोस्तों, आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। आप चलते हैं बिटकॉइन के CME चार्ट के ऊपर। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में हमारे पास जो बेस है वो यहाँ पे मिलेगा, और इस बेस के अंदर मार्केट रुकता है तो वेल एंड गुड, नहीं रुकता तो इस बेस तक तो मार्केट कम से कम टेस्ट कर सकता है जो कि 43 है। लेकिन अगर आप एक बड़े स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर भी आपको सेम सा चार्ट देखने को मिलता है जो कि प्राइसेस को नीचे ड्रॉप कर सकता है, तो इसको हम एज अ लोकल सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होती है तो मार्केट नीचे 41-42 के आसपास तक देखने को आपको मिल जाएगा। यहीं पे बात करते हैं हम लोग डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस डेफिनेटली आज बड़ी है। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि डोमिनेंस के चांसेस है कि कम से कम इस एरिया के आसपास हिट कर सकती है, और ऑब्वियसली वहाँ तक डोमिनेंस ने हिट करा है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें कि डोमिनेंस ऐसे बढ़ती है तो बिटकॉइन के अंदर थोड़ी ज़्यादा रिकवरी होगी एज कम्पेयर टू जो बिटकॉइन पेयर के अल्टकॉइंस हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं। तो इसका ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ, जिसे मैंने कल भी कहा था कि जब ब्रेकआउट होगा तब हम ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बट इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर नॉर्मली ये अपने 46 का जो लेवल है इसको टेस्ट यहाँ पे कर सकता है, देन फिर आपको एक रिजेक्शन मिलेगा और वहाँ से भी चांसेस है कि मार्केट आपका और ज़्यादा डाउन फॉर्म में यहाँ पे गिर सकता है। यहीं पे बात करते हैं अदर्स के बारे में, तो अदर्स का ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि रेजिस्टेंस टूटना इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस टूटता तो 14 तक जाएगा, लेकिन इसका ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है एंड प्राइसेस ने इसको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करा है, जो कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं इस वाले एरो के मुकाबले तो लगभग लगभग ब्रेकडाउन के बाद से जो आपका टारगेट होगा वो एसेंशियली 12.85 से लेकर 12.60 के बीच में ही रहने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि अभी अल्ट सीजन जो आपका थोड़ा सा चल रहा था उसमें हल्का सा पॉज मिलेगा, तो आपको डीप एंट्रीज मिलने वाली है अल्ट कॉइन के अंदर, और ये जो डीप एंट्रीज मिलेंगी इसमें आप बैठ सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता ही दिया था कल की वीडियो में ही, या शायद मैंने आपको डिटेल में बताया था इस चीज़ के बारे में कि मार्केट अगर इसको नीचे तोड़ता है देन मार्केट के पास एक राउंड शेप की यहाँ पर रिकवरी हमें देखने को फिर मिल सकती है। तो आप इसके ऊपर फोकस यहाँ पर रख के चल सकते हैं। यहीं पर बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम का ये वाला लेवल था जो कि फिलहाल में टूट चुका है, तो आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर अभी ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता भी है तो वापस आपको मार्केट के अंदर जो हमारा पिछला लेवल था 2900-2300 का वो देखने को पे मिल जाएगा। हालांकि इस चार्ट को भी मैं रिमूव कर देता हूं, क्योंकि अगर हम इसको फ्रेशली देखने की कोशिश करते हैं तो इथेरियम के अंदर हमें जो मेजर सपोर्टिव रेंज देखने को मिल सकती है वो अराउंड 2500 के आसपास मिलेगी, और जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेंज है। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको कुछ लोकल सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो ये आपका एक लोकल रेंजेस हैं, यानी कि अगर प्राइसेस आपके नीचे ड्रॉप करते भी हैं और लगभग $3000 के आसपास आते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप पिछले वाले लेवल्स को देखें तो ये लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में भी मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इट मींस कि अगर मार्केट इस लेवल के बीच में दोबारा आता है देन मार्केट के अंदर हाई जाने के चांसेस बनेंगे, और अभी का जो हमारा टारगेट होगा 3600 वो स्टिल इंटैक्ट रहने वाला है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है
वो अगर वर्स्ट कंडीशन में आता भी है तो इस जोन से वापस अपने टारगेट को हिट करने के लिए यहाँ पे जाए, और इतने में जो बिटकॉइन है वो भी अपनी रिकवरी को पूरा इस पॉइंट पे कर लें। बाकी अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है तो वो फिर हम देख सकते हैं। ऑलरेडी बात करी जाए तो यहाँ पे हमें बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात है जो कि प्राइसेस को और ज़्यादा नीचे पुश कर सकते हैं। इसके साथ बात करेंगे तो आपको इथेरियम में भी सेम तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो अभी सॉरी मैकडी के अंदर, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सेलिंग देखने को मार्केट के अंदर मिल सकता है। इथेरियम की अगर लोग सीएमई चार्ट की बात करें तो इसका भी जो जोन है वो लगभग 2800 से 2900 के बीच में है, तो ये प्राइसेस अगर नीचे डिक्लाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक पेस मिल सकता है। और इस टाइम का जो मार्केट था लगभग इसकी आप कह सकते हैं कि कॉपी यहाँ पे हमें बनती हुई मिल रही है, और अगर ये प्रॉपरली बनती है तो इसके बाद आपको एक रैली के अंदर मार्केट जाता हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। हालांकि चार्ट बहुत ज़्यादा हचपच हो गया है, कल वाला सपोर्ट इसने होल्ड नहीं करा, तो हमारे पास जो बेस सपोर्ट है 159 का उसको हम लेके चलेंगे, पर इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। एंड इसके रिमूव के बाद हमारे पास जो एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा वो अराउंड अराउंड $150 के आसपास है, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, या फिर चाहें तो अगर आप कोई एक एरिया ड्रॉ करते हैं तो लगभग लगभग आपको इस पॉइंट पे 155 से 150 के आसपास का मार्केट देखने को मिल जाता है। और इसी मार्केट में भी आपको वही डाइवर्जेंस जैसा फॉर्मेशन मिलेगा, दो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और RSI में वही प्राइसेस आपके नीचे की तरफ है जो कि आपको एक बियरिशनेस दिखा रहे हैं। बट हमारा जो टारगेट है उसमें अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं है, हम अपने टारगेट को स्टिल लेके चल रहे हैं अराउंड $250 के आसपास में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट मीन्स कि अगर मार्केट अभी थोड़ा क्रैश करता भी है तो मार्केट इस जोन से वापस अपनी रिकवरी देना चाहिए, और वर्स्ट सिनारियो के अंदर ही हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आपका $150 को टेस्ट करें, नहीं तो जो एक लोकल सपोर्ट होगा आपके पास लाइट कॉइन के अंदर वो आपको स्टिल यहाँ पे $160 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर इस पर भी होल्ड करता है तो मार्केट को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चेन लिंक के बारे में, तो इसका तो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो हमारे पास ऑलरेडी इसका सेकंड जोन है, एंड इन सब चीज़ों को मैं अब यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ फिलहाल के केस में। वापस अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो ये वाला आपका फॉलिंग वेज है जिसको कि हम पहले के टाइम से ड्रॉ करते आ रहे हैं, और करेंटली मार्केट ने जो अभी स्पीड अप यहाँ पे लिया है इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा बैकहेंड से देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट को अराउंड इसी लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये वही लेवल है जो कि $23 के आसपास है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, तो मार्केट में अगर कोई ड्रॉप होता है तो हम लोग इस लेवल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बाकी आपको सिमिलर सी चीज़ देखने को मिल रही है, और करेंटली मार्केट इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, जिस पर अगर मार्केट बाउंस कर ले वेरी गुड, नहीं करता है तो आप ये चीज़ फिर कन्फर्म कर सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर की तरफ, जैसा भी हमने बाकी कॉइन्स में देखा था, क्योंकि लगभग इनके जो सिनारियो होते हैं वो बहुत हद तक सेम होते हैं। और अगर आप इसके टारगेट्स को निकालना भी चाहते हैं तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पे ड्रॉ करा था, तो आप अभी $34 का जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हैं, बट ध्यान रखें जो हमारी बाइंग पोजिशन होंगी वो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास ही बननी चाहिए जो कि 22 से 24 के बीच है। अगर इसके बीच में हमें कोई दोबारा से री एंट्री पोजिशन मिलती है तो हम लोग कहीं ना कहीं 50% के लिए अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट फिर यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन की, तो इस पर तो अभी कोई खास चेंजेस हुए नहीं है, मार्केट यहीं पे होवर करने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसके ऊपर ही होवर करे, क्योंकि अगर होवर करता तो मार्केट को $700 तक यहाँ पे खींच सकता है। बीच के टारगेट ऑलरेडी मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिए थे, बट अगर आप यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी क्रैश होता है देन फिर हम लोग रेडी रहेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर फिर थोड़ा से बड़े करेक्शन होने के बाद मार्केट इसका फॉर्म फैक्टर चेंज करेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट आपको फिर अराउंड $400 से $420 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो अभी वेट करते हैं इसमें क्रैश होता है या फिर मार्केट इसको स्टेबल रखता है, ये एक या दो दिन के अंदर क्लियर हमें यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में, तो XRP ने अभी तक कोई खास मोमेंटम नहीं दिया, इवन दैट प्राइसेस नीचे क्रैश कर रहे हैं। कल का जो लोकल सपोर्ट है वो होल्ड नहीं हो पाया है, तो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर प्राइसेस यहाँ पे होल्ड कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, ताकि हमारा जो टारगेट है स्टिल वो इंटैक यहाँ पे रहने वाला है। तो ये वाला जो जोन होगा $1 के आसपास का, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको री एंट्री चाहिए तो कल भी मैंने बताया था कि वर्स्ट सिनेरियो में 0.8 आपको एक री एंट्री के तौर पे यहाँ पे मिल सकता है, नहीं तो $1 बेस्ट एंट्री है जहाँ पे कि हम लोग 1.7 के लिए चीज यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में, नियो ने फाइनली अपनी जो लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड इसको रिमूव करने के बाद मैं वापस से अगर चार्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका भी चार्ट बहुत ज़्यादा हॉच पॉच है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आएगा कि मार्केट पूरा के पूरा सेम चल रहा है, चाहे वो नियो हो चाहे कोई सा भी कॉइन हो। और यहाँ पर भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलती है कि मार्केट जो है वो इस तरीके से फॉर्मेशंस यहाँ पे बना रहा है, जिसको कि आप अपर चैनल के तौर पर या एक अपर वेज के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें अगर कोई भी क्रैशेस होते हैं नियो के अंदर भी,
तो हमारे पास जो बाइंग जोन यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो हम एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट हम लोगों को लगभग लगभग 43 से 45 डॉलर के बीच में आता हुआ मिल सकता है। तो ये एक जोन होगा जिसके लिए मैं वेट करूँगा, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन है उसके ही फॉलोअप यहाँ पे मिल सकते हैं, जिससे कि प्राइसेस के अंदर शूटअप आपको देखने को मिल सकता है। बट जो सेंटर हमारे पोजिशन हैं, जैसे पहला पोजिशन आप देखेंगे तो 64 से 69, ये हमारा एक छोटा टारगेट आप इसको सेट कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको थोड़ा ऊपर की तरफ भी करते हो तो लगभग 68 से 73 के बीच में आपको पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड सेकेंड टारगेट को फिर आप 130 से लेकर अप्रॉक्स 140 डॉलर के बीच में लेके चल सकते हो। तो वेट करते हैं नियो हमें क्या ऑफर करता है, अगर ये वाली जो लाइन है मार्केट इसको होल्ड करता है या फिर यहाँ पे कोई बुलिश सिम्टम देता है, देन प्राइसेस के अंदर इजिली जो 70 डॉलर का टारगेट है वो हिट होगा। कोई भी क्रैश होता है तो दोबारा से जो हमारा बाय जोन है वो इसी जोन के आसपास आने वाला है, जहाँ पे कि हम बाय करके फिर आराम से अपने लिए डिप बाय को कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में, तो इसका भी मैंने आपको कल बता ही दिया था कि मार्केट यहाँ पर इसके नीचे गिर चुका है, तो ऑलमोस्ट ये लेवल अब एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कि अगला जो सपोर्ट हमें मिलता है वो मिलता है 23, तो वेट करते हैं इस प्राइस में अगर आता है तो हम दोबारा से लेकर भी 32 डॉलर तक का टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो यह है बिटकॉइन कैश, जिसने अभी तक अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा है, जो एक अच्छी बात है, और हमें मार्केट का यहाँ पे होवर चाहिए, कोई भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल या कुछ भी यहाँ पे बन जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट डील हो सकती है। तो अभी तक ये चार्ट में तो डेवलप नहीं हुआ है, तो हमें वेट करना पड़ेगा एक या दो दिन का। अगर कल तक भी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो जाता है तो हमारा टारगेट स्टिल इंटैक्ट रहेगा 748-750 डॉलर का। यहाँ से अगर प्राइसेस के अंदर नीचे कोई भी ब्रेक डाउन होता है तो आप ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस जोन को फिर टेस्ट करने आ सकती हैं, जो कि हमारे पास 550 से लेके 564 है, जहाँ पे कि आपको दोबारा से री एंट्री देखने को मिलेगी, और करंट प्राइसेस के हाई से ये करेक्शन 20% के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं तो ये है दोस्तों सोल, जिसमें प्राइसेस ने लगभग सेम तरीके से ब्रेक करा, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राइसेस अगर इसके नीचे ब्रेक कर देती हैं तो कहीं ना कहीं प्राइसेस नीचे टेस्ट कर सकती हैं। हालांकि प्राइसेस के ब्रेक के बाद से मोमेंटम हमें 8% का यहाँ पे देखने को मिला है, बट स्टिल प्राइसेस में एक बाइंग जोन है 63 के आसपास का और एक है हमारे पास 59। इन दोनों जोन में कहीं पर भी आता है तो हमारे जो टारगेट है वो 87 और 105 डॉलर पर ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं तो यह है कार्डानो, जो कि स्टिल नीचे आ रहा है, हमारे पास बेस है 2.4 डॉलर का, 2.4 से लेके 2.3 डॉलर के बीच में आपको एक अच्छा बाय रेंज देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आने का वेट करते हैं। अगर ये आता है तो हम लोग के पास एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, एंड स्टॉप को इसके आसपास ही हम एडजस्ट करेंगे 2.2 के आसपास में, ताकि हमें वहाँ से दोबारा री एंट्री मिल सके। एंड टारगेट मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट अगर इसी फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है जो कि इसने कर्वेचर में बनाया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपका यहाँ पे 6 डॉलर तक जा सकता है, लेकिन 5 डॉलर आप एक एजम्पशन लेके यहाँ पे चल सकते हो। तो बस दोस्तों इतने ही कॉइन थे, और अगर हम लोग बात करते हैं पे टोटल मार्केट कैप की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा जो मोमेंटम होता है वो मार्केट कैप की वजह से होता है, तो आप यहाँ पे भी सिमिलर सी चीज़ देख सकते हैं मार्केट कैप ने किस तरह मोमेंटम लिया है, और फाइनली मार्केट कैप ऊपर जाने के बाद वापस से थोड़ा करेक्शन करने के मूड में है, तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट कैप किस तरीके से फॉर्म हुई है। और मार्केट कैप के अंदर भी हम लोगों को जो मोमेंटम मिलेगा वो मिलेगा इसी पॉइंट के ऊपर, जो कि 1.1 ट्रिलियन के आसपास है, जहाँ से कि मार्केट आपका मूव करके 2.8 ट्रिलियन तक मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है, और ये कोई भी हमारा पीक नहीं होगा। स्टिल मार्केट का पीक 4-5 ट्रिलियन के बीच में जा सकता है इस साइकिल के अंदर, क्योंकि ये जो पीक है ये जस्ट का एक assumption है, जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन कह लीजिए या फिर जो भी हमारा यहाँ पे कप था उसका ही एक assumption है, तो ये जस्ट एक सेकेंड रिली ऑफ पाथ होगा, लेकिन इसके बाद हमारे पास ऊपर की तरफ कम से कम 5 ट्रिलियन तक खुला आसमान यहाँ पे रहने वाला है। वहीं पे बात करते हैं टोटल मार्केट कैप 2 की, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट अगर इसके बीच में आता है तो एक अच्छी बाय एंट्री बनेगी, हालांकि आप इस पर बाय नहीं कर सकते, लेकिन अल्टकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टकॉइन के मार्केट को यहाँ पे 1.4 ट्रिलियन को हिट करना है, जिसमें से आप देखेंगे तो एक बार ये मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, एंड अगर सेकेंड टाइम ये वापस से 1 ट्रिलियन से लेकर वो हाँ ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से लेकर 1.05 ट्रिलियन के बीच में आता है, तो यहाँ पे अल्टकॉइन हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि खरीदने लायक हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर खरीद के हम लगभग 1.4 ट्रिलियन के लिए टारगेट सेट करके चल सकते हैं। लेकिन अल्टकॉइन का ये भी टॉप नहीं होगा, क्योंकि अल्टकॉइन जब यहाँ पे आएंगे और जब कभी भी आपका मार्केट इस 1.4 को ब्रेक करता है, तो जितनी हाइट यहाँ पे है 130% की, अगर हम इसको एज्यूम करने की कोशिश वापस करते हैं इस पॉइंट से, तो आप ये कह सकते हैं कि 130% के अकॉर्डिंग जो अल्टकॉइन का टॉप हमें लगता हुआ मिल सकता है, अगर 131 पे भी आते हैं तो लगभग 3.2 ट्रिलियन का यहाँ पे मार्केट होगा। तो अगर आपका बिटकॉइन 4 या 5 ट्रिलियन जाता हो 3 ट्रिलियन, तो लगभग इस साइकिल में जो टोटल ओवरऑल मार्केट है वो मे भी पॉसिबल है कि हमें 7-8 ट्रिलियन के बीच में जाता हुआ मिल सकता है। बट ये भी हो सकता है कि पहले अल्टकॉइन का मार्केट हाई लगा दे फिर बिटकॉइन का लगाए, तो वो 5 ट्रिलियन तक भी एज्यूम हो, तो हम 5 से लेकर 8 ट्रिलियन के बीच में इस साइकिल के अंदर समझ सकते हैं कि हाँ ये एक टॉप हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक यहाँ पे प्राइसेस आए नहीं हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी आप
इसी चीज़ का वेट करें कि इसमें जो भी डिप मिलता है वो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 900 बिलियन के नीचे वो डिप चला जाता है 990 बिलियन के नीचे, तो वो फिर एक बियरिश सिम्टम होगा। इसके ऊपर जब तक मार्केट आपका टिका है, देन आपकी जो मार्केट है वो ईजिली 1.42 ट्रिलियन को शॉर्ट टर्म के अंदर कवर यहाँ पे कर सकता है। तो ये तो दोस्तों सारे कॉर्नर सारी मार्केट की अपडेट। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले जो दोस्तों न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है फेसबुक की तरफ से, और फेसबुक भी यहाँ पे एनएफटी के अंदर कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को पता होगा फेसबुक ने पहले डीम लेकर आया था, वो चला नहीं, रेगुलेटर से बड़े पंगे करे, तो कहीं ना कहीं फेसबुक ने अपना एक ग्रुप बनाया और अब यहाँ पर वो लेकर आ रहा है अपना प्रोप्राइटरी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट जिसका नाम है नोवी। और नोवी के अंदर कहीं ना कहीं इनके जो कह सकते हैं कि को क्रिएटर है फेसबुक के डेविड मार्कस, वो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे हिंट दिए कि हम लोग एनएफटी को भी इसके अंदर इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें कि आपको नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एनएफटी का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो फेसबुक पीछे नहीं रहना चाहता है, आई नो कि इनके साथ बड़े पंगे यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले एक दो साल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें फेसबुक की तरफ से भी देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो खबर आ रही है दोस्तों ये आ रही है कॉइन डीसीएक्स की तरफ से, जो कि इंडिया का क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में बात की जाए तो यूनिकॉर्न बन चुका है। 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इनके पास आप कह सकते कि इनको फंडिंग यहाँ पे मिली हुई है। अब फिलहाल में इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है रेगुलेटर को, दिल्ली हाईकोर्ट के जो नोटिसेस आए थे उसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसिकली एक नोटिस निकाला था बहुत टाइम पहले जुलाई 15 के आसपास, जिसको कि मैंने न्यूज़ में कवर भी करा था, और उन्होंने कहा था कि आप जो भी टीवी पे एड्स चलाते हो उसके अंदर ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, क्रिप्टो करेंसी इज़ अ अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जैसे आपने म्यूचुअल फंड के ऐड देखे होंगे उसमें आता है तो वो आता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसी तरीके से आपको देना ज़रूरी है। और यही चीज़ के लिए अब क्या हुआ है, जो कॉइन डीसीएक्स से उन्होंने सीखने पर पार्टनरशिप कर लिए या फिर आप कह सकते हो कि ज्वाइन कर लिया है एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि इनको हेल्प करेगा सारी चीजें प्रॉपरली रेगुलेट करके यहाँ पे काम करने में। तो ये एक अच्छी बात है, जब रेगुलेटर्स के साथ धीरे धीरे काम करेंगे तो चीज़ें इजी हो जाएंगी एंड बहुत सारे लोगों के लिए ट्रस्ट वर्थी भी पड़ेगी। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों बारी है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की एक ब्लॉकचेन फर्म है या आप कह सकते हैं कि एक B2M2M या B2B मार्केट प्लेस है, जहाँ इसने यहाँ पे 30 मिलियन का फंड यहाँ पे रेज करा है। और ये जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है B2B मार्केट प्लेस, इसका नाम है बाजार टेक्नोलॉजी, जिसने 30 मिलियन का फंड अपनी सीरीज ए के राउंड में सिक्योर करा है। एंड इसको कोई छोटे मोटे ब्रांड्स ने यहाँ पे फंड नहीं किया है, यहाँ पे सिलिकॉन वैली और सिंगापुर वॉलमार्ट, इसके अलावा एंडेवर, आपका लिंकिन, जापानीज सेंशन कैपिटल बैंक, बड़े बड़े जो वेंचर्स हैं उन्होंने इसको यहाँ पर फॉर्म किया है। और ये बहुत अच्छी बात है, जब बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं कि सभी कंट्रीज़ के अंदर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज़ एक तरीके से इसमें ग्रो करना भी स्टार्ट करेंगे। और ये सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये करीबन 7,50,000 मर्चेंट को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस दी जाती है, और जिसमें 400 टाउन और विलेजेस यहाँ पर कवर्ड हैं। तो इनके पास एक बहुत बड़ी रीच है जो पाकिस्तान में हेल्प करेगी क्रिप्टो करेंसी और इनके भी मार्केट प्लेस को इंक्रीज करने की। एंड मार्केट टू मार्केट प्लेस से तो देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ यहाँ पर ऑफर हमें देखने को मिल जाती हैं। अगली दोस्तों यहाँ पर जो खबर आ रही है दोस्तों वाली है बिटकॉइन की हैश रेट की तरफ से। चाइना से जब से माइनर्स को भगाया गया था, खदेड़ा गया था, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ था, लेकिन अब अगर बात किया तो यहाँ पे ट्रिपल, हम कह सकते हैं कि 3 गुना यहाँ पे जो हैश रेट है उसके बाद से यहाँ पे बढ़ गई है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आप ये चार्ट देख सकते हो, तो ये ब्लू वाला कलर है, ये बेसिकली आपका हैश रेट का है, जो कि 552 BGH के ऊपर चला गया था और अभी ये 152 BGH के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। एंड यही सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जो हैश रेट है वो उसका प्राइस से बहुत ज़्यादा लेना देना है। और ये जैसे जैसे शूट अप करेंगी वैसे वैसे आपको प्राइसेस इनको फॉलो करती हुई मिल जाएंगी। हैश रेट पूरा बिटकॉइन की मैकेनिज्म की जान है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। अगली दोस्तों खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के बारे में, जिसको मैंने पहले भी वीडियोस में कवर करा हुआ था। और ये बेसिकली जो बिल है ये सेट हो गया, जो कि सितंबर 27 तक यहाँ पे पास हो जाएगा। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि यहाँ पे जो क्रिप्टो के चेंजेस के बारे में बात करी गई थी, जो दो आप कह सकते हो ड्राफ्ट लाए गए थे अमेंडमेंट करने के लिए, उनको कुछ भी यहाँ पे लिया नहीं गया, और इसमें क्रिप्टो टैक्स का प्रोविज़न एज इट इज़ यहाँ पे रहने वाला है। और ये करीबन 1 ट्रिलियन का बिल है, जो कि बहुत बुरा नेगेटिव इफेक्ट करेगा। इवन दैट कॉइनबेस ने भी यहाँ पे वार्न करा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है वो 20% US की पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाला है। और US इफेक्ट होगा तो पूरा वर्ल्ड होगा, पूरा वर्ल्ड होगा तो ऑब्वियसली हमें मार्केट में शॉर्ट टर्म पैनिक्स और सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, सितंबर का जो आखिरी हफ्ता होने वाला है ना, वो थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे होगा, तो उससे पहले आप जो भी पोजिशंस होल्ड करेंगे या बनाएंगे कॉशियसली उनके अंदर रहिएगा। अगली दूसरा पे खबर आ रही है डॉगी कॉइन की तरफ से। डॉगी कॉइन एक बहुत ही अच्छे मिशन पे यहाँ पे निकल चुका है। अभी यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है पॉश शिकागो। बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी आपके जो कुत्ते बिल्ली होते हैं जो आपको ऐसे मिल जाते हैं, तो उनको बेसिकली ये एक तरीके से होम प्रोवाइड कराते हैं, जो होमलेस कुत्ते बिल्ली होते हैं। जैसे इंडिया में तो घूमते रहते हैं, लेकिन अमेरिका और वहाँ पर इतना नहीं घूम सकते, तो वहाँ पर उनके लिए बेसिकली कह सकते हैं कि एक तरीके से उनका हॉस्पिटल बनाएंगे, उनको फूड और वो सब प्रोवाइड करेंगे। तो अब इन्होंने बेसिकली
इसलिए एक नया पेमेंट मेथड भी ऐड कर लिया जहाँ पे कि पेट कॉइन, इथेरियम और डॉगी कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे और भी कुछ कॉइन्स जो एक्सेप्ट करेंगे जो इनको लगता है यहाँ पे, और उसके थ्रू ये एक नया हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि ये होमलेस कैट और डॉग्स का इलाज भी कर सके और उनको थोड़ा फीड भी यहाँ पे कर सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे कि डॉगी कॉइन का भी यूटिलाइजेशन होगा। बिटकॉइन इथेरियम तो ऑब्वियसली हर जगह आपके रहते ही हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है फैच की तरफ से, और फैच की तरफ से आने से पहले अगर डॉगी कॉइन की बात करी है तो चलिए इसके चार्ट को भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग डॉगी कॉइन मे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे होल्ड करते होंगे। तो आप डॉलर पेयर में अगर देखोगे तो मोस्टली सिनेरियोस में तो यही होगा कि आपका बिटकॉइन कोई फॉलो कर रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था ये वाला एक लेवल है डॉगी कॉइन में जो कि ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, ब्रेक नहीं हुआ है, प्राइसेस में कहीं ना कहीं ड्रॉप हमें देखने को मिला है इस पॉइंट के बाद से। तो यहाँ पर जो भी करेंटली आपको डॉगी कॉइन में सपोर्ट मिल सकता है वो मिलेगा इस पोजिशन के पास में, जो कि आपको मिलेगा 0.22 से 23। और ये पोजिशन अगर मार्केट आपका होल्ड करता है डॉगी कॉइन का, इट मीन्स कि डॉगी कॉइन कहीं ना कहीं इस लेवल को फिर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो फिलहाल में अभी हम यही एज्यूम कर सकते हैं कि अगर डॉगी कॉइन थोड़ा ड्रॉप करता है तो 0.2 0.3 के आसपास एक अच्छी बाइंग बिड देखने को मिल सकती है। बट पहले ही बता दूं कि डॉगी कॉइन बुलिश नहीं है, यहां पे बियरिश है। अगर इसको बुलिश होना है तो कम से कम यहां पर 0.34 को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के कॉइन्स के अंदर चाहिएगा। अगली हम लोग बात करते हैं फेच एआई की तरफ से, और फेच एआई दोस्तों यहाँ पे लेकर आ गया है एनएफटी प्लेटफॉर्म जो कि बेस होगा एआई के ऊपर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जहाँ पे आप जो भी आप कलेक्टेबल्स बनाओगे, जो भी आप डिजिटल कलेक्शन को क्रिएट करते हो, वो सारा मशीन लर्निंग के थ्रू यहाँ पे होने वाला है। तो एक अच्छी चीज़ है। और अगर हम इसके भी चार्ट की यहाँ पे बात करते हैं डॉलर पेयर में, तो देखिए आपको सारे चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट टाइम आई थॉट मैंने शायद इसको लाइव में भी कवर करा होगा, बट ये वाली जो एक लाइन थी इसके ऊपर मार्केट ने बहुत अच्छे से रिट्रेसमेंट लिया, इसके बाद से मार्केट ऑलमोस्ट 2x के आसपास यहाँ पे पंप हो चुका है। एंड करेंटली अगर आप इसमें दोबारा से री एंट्रीज के बारे में सोच रहे हो अगर फैच के अंदर, तो आई थिंक कि अगर मार्केट दोबारा इस सपोर्ट को टेस्ट कर लेता है जो कि आपको देखने को मिलता है 0.42 से 0.45, तो ये हमारे लिए एक बेटर एंट्री हो सकती है। नहीं तो अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इसके प्रस्पेक्टिव में देख रहे हो तो हमें कोई इतना इशू नहीं है। इवन दैट अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो नॉर्मली पिछला हाई जो था वो था 0.89 डॉलर का, लेकिन जो नया हाई है वो है 1.33, जिसको कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो एक टारगेट आपका हो जाएगा 0.13 और लास्ट टारगेट होगा 2 डॉलर का। इट मीन कि फैच कॉइन के अंदर अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये 2 डॉलर को हिट कर सकता है। तो अगर ये किसी भी कंडीशन में हमें नीचे आता हुआ मिलता है तो हम यहाँ पर इसके एक्वाइजेशन की बात कर सकते हैं और 2 डॉलर तक के टारगेट को सेट करके यहाँ पर फिर चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें स्टॉप लॉस भी आपको लगाना है, तो 0.3435 के नीचे स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा के चलें, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमें और सस्ते रेट में चीज़ देखने को मिल सकती है, छोटे से लॉस में हम एग्जिट यहाँ पे हो सकते हैं। वहीं पर अगर फेड के बिटकॉइन पेयर की बात करी जाए, क्योंकि बिटकॉइन पेयर ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा बॉटम्स में पड़े हुए हैं मोस्ट ऑफ द कॉइन्स के, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैं भी शायद इस पॉइंट पर बनाई थी, उसके बाद से मार्केट ने आपका 7x का ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे चुका है। लेकिन अब आप सभी लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि मार्केट इस लेवल को जब भी ब्रेक करता है, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल में कप और हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे लिया है, जिसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि जितनी इसकी हाई टेक कप की जो कि 8x है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर 8x का हमें आधा भी देखने को मिलता है 3 to 4x के आसपास भी अगर हम बात करें, तो लगभग लगभग आपको 4x में 8000 सतोशी तक प्राइस बढ़ता हुआ मिल सकता है, जो कि आज के करंट भाव से अगर आप देखते हैं तो मे भी शायद ये थोड़ा 5x के आसपास हो सकता है, बट इसके ब्रेकआउट के बाद देखेंगे तो वो चीज़ हमें 4x में देखने को मिलेगी। अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है तो जो लोग अभी जाएंगे वो हाईली रिस्क में होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कम से कम 20% का होगा एंड देन फिर आप उसको 4x या 5x के लिए डील यहाँ पे करेंगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप एक बार मार्केट को पहले ब्रेक हो जाने दीजिए, जब मार्केट इसके ऊपर होल्ड करेगा देन फिर आप इस लेवल के लिए अचीव कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, आपको पता है कॉइन के अंदर रिस्क होता है, तो ये लेवल भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन 20 से 25% का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है। अगली दोस्तों खबर की बात करें तो दोस्तों आ रही है फिरो की तरफ से। फिरो ने बेसिकली यहाँ पे नई प्राइवेसी की आप कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं प्राइवेसी की जो सेटिंग्स है या फिर जो प्राइवेसी के फीचर्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जिसके अंदर कि इनका नाम इन्होंने रिवील करा है बेसिकली लीनातस स्पार्क करके। हालांकि इन्होंने पहले भी करा था बट इसका यहाँ पे वर्जन 1 वर्जन 2 करके अनाउंस यहाँ पे कर दिया, जिसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। बट ये फीचर ऐसे जो गवर्नमेंट में भी हेट बहुत ज़्यादा करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो प्रोटेक्शन मिलता है आपके डेटा का, प्लस यहाँ पे जो आपकी स्पेंडिंग होती है उसको भी मॉनिटर यहाँ पे करा जा सकता है। आपको नॉन इंटरेक्टिव एड्रेसेस मिलते हैं जिसके अंदर कुछ भी मतलब कुछ भी होगा नहीं, सिर्फ ट्रांजेक्शन आप देख भी नहीं पाओगे। इवन दैट उसका जो प्राइस है या जो भी स्पार्क एड्रेस के अंदर आपका फंड है वो भी यहाँ पे हिडन होने वाला है, और ये भी नहीं देख सकते कि आपने कितना यहाँ पे क्या होल्ड करा है। मतलब अगर कोई आपको ट्रिक करना चाहता है, ये करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता। एंड फिरो ने इस मामले में बहुत अच्छा काम यहाँ पे करा है। और अगर फिरो की बात करें तो चलिए इसका भी चार्ट देख ही लेते हैं। तो फिरो की हम लोग बात कर ही रहे थे,
तो डॉलर पेयर के हिसाब से बात करें तो आई थॉट इसका चार्ट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। एंड करेंटली अगर आप थोड़ा सा इस पोजिशन पर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा बाउंस देने की कोशिश करी, तो अगर मार्केट हमें $7.5 के आसपास भी मिलता है तो ये हमारे लिए अच्छी डील हो सकती है, जहाँ पे कि मार्केट ऑलमोस्ट 96% का मोमेंटम हमें दे सकता है। तो 96% के मोमेंटम के हिसाब से अगर बात करी जाए मार्केट के अंदर, तो लगभग लगभग 14.9 यानी कि $15 तक मार्केट आपको मूव करता हुआ मिल सकता है। वहीं पे बात करते हैं फिरो के बिटकॉइन प्राइसेस के बारे में, तो ऑब्वियसली BTC पेयर में तो सारे ही कॉइन बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, यानी कि अगर ये जिस दिन भी पंप होना चालू करते हैं 50-60x तो कहीं पर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल में इसका बहुत बड़ा एक फॉलिंग वेज आप इसको मान सकते हो, यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज देखने को मिल जाता है। एंड इसका चार्ट बहुत हद तक EOS के चार्ट जैसा हमें देखने को मिल रहा है, बट करेंटली अगर आप देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं इस पोजीशन में एक अच्छी लाइन को होल्ड कर रहा है, और ये लाइन अगर होल्ड होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन हम लोग 2900 या फिर 3000 सतोशी तक मार्केट को देख सकते हैं। और मार्केट इसमें जिस भी टाइम आप ये कह सकते हैं कि इस लेवल को ब्रेक करता हुआ मिलता है, जो कि 3000 करीबन करीबन आप कह सकते हैं 3500 से 4000 सतोशी है, देन आपको इसका असली रन पता पड़ेगा, जिसके अंदर फिर आप एटलीस्ट मिनिमम टारगेट की बात करें तो 12,800 सतोशी तक लेके यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बट अभी के लिए कंडीशन यही है। और अगर आप स्टॉप की बात करते हैं फिरो के अंदर भी, तो यहाँ पर अभी आपका स्टॉप लगभग लगभग 20% के आसपास रहने वाला है, तो अगर आप रिक सपोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं, रिक सपोर्ट नहीं कर सकते थोड़ा सेफ चाहिए तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद आपको फिर एक और मोमेंटम मिल जाएगा, जो कि लगभग लगभग 2x के आसपास आपको मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है। आज की दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो यार ये माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से जब भी खबर आती है आप सभी को बताएं बिटकॉइन खरीदे गए, यस बिटकॉइन यहाँ पे देखा है, जहां पे कि 3907 जो बिटकॉइन है वो माइक्रो स्ट्रेटजी ने खरीद लिया, और अब करीबन करीबन यहां पे 108,972 के आसपास आप कह सकते हो कि जो बिटकॉइन है वो यहां पर होल्ड कर रहे हैं, और ये जो परचेसिंग प्राइस है वो है 45,200। और अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखें तो उसके बाद ये डेफिनेटली गिरा होगा, एवरेज प्राइस निकलना एक अलग चीज़ होती है, और अगर हम बाइंग प्राइस की बात करें तो वो अलग है। तो ये एवरेज प्राइस 45,000 का आ रहा है, लेकिन क्योंकि कल खरीदे गए थे, और अगर आप कल का प्राइस देखते हैं बिटकॉइन का तो वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लगभग आप कह सकते हैं कि 49,000 के आसपास था, तो आप कह सकते हैं थोड़ी सी चोट हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स है वो SIP करने में लगी हैं, इसलिए आपको कहता हूँ कि SIP करो बिटकॉइन में, आप सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि SIP में आपको कभी भी कोई झंझट नहीं होगा, मार्केट कितना गिर रहा है कितना पंप हो रहा है आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हो, बस आपके लिए एक जो प्रोजेक्ट आप चॉइस करते हो वो अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि आप कर सकें, उसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो प्रोजेक्ट अगले 10-20 साल तक हिले नहीं, जो कि बिटकॉइन है। तो अगर आप बिटकॉइन को एक्वायर करना चाहते हो तो SIP सबसे बेस्ट मेथड है, या आप डेली बेसिस पे $1 डाल सकते हो, या वीकली बेसिस पे $10 डाल सकते हो, मंथली बेसिस पे $100 आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपकी स्ट्रेटजी और आपके पर्सनल इनकम बेसिस पे यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन लेना चाहते हो तो SIP मेरी तरफ से सबसे बेस्ट तरीका आप सभी लोगों के लिए रहने वाले। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा, चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। हालांकि मेरी वीडियोस बड़ी होती है पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डिटेल में पे मिल जाती है। एंड यस मैंने कल आपको बताया था कि मैंने पैंडोरा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसका एक आइडियो आ रहा है पेड इग्निशन के ऊपर, लेकिन इसका एक एयर ड्रॉप मिस हो गया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके डेफिनेटली देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में समझने को मिल जाएगी, इसके कोर फंडामेंटल्स यहाँ पे क्या है और आइडियो में आप कैसे पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आप कॉइन मार्केट कैप पे आ सकते हैं, यहाँ पे पैंडोरा प्रोटोकॉल सर्च करेंगे तो यहाँ पर 4 दिन का समय बाकी है, तो ये वीडियो भी रिलीज हो जाएगी तो भी आपका 4 दिन का समय है, जहाँ पे कि आप कॉइन मार्केट कैप के इस कम्युनिटी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लगभग लगभग 37.5 PNDR टोकन को एक्वायर यहाँ पे कर सकते हैं, एंड इसका जो प्री सेल प्राइस था वो 0.14 था। अगर कुछ अच्छा मोमेंटम मिलता है तो आपको यहाँ पर कुछ टोकन्स देखने को मिल सकते हैं, ऑलरेडी 20,800 पीपल पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो जाके आप चेकआउट डेफिनेटली करिए। और ये वाली वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल ऑलरेडी बता दी है, सिर्फ एयर ड्रॉप मिस हो गया था जो कि मैं आपको अभी इस टाइम पर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि हम 30,000 तक आ गए, इस साल के एंड का हमारा टारगेट है 50,000 मेंबर्स का। तो अगर आप शेयर करेंगे वीडियो को तो डेफिनेटली सबके पास इन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी और वो भी यहाँ पर प्रॉपर चीज़ों को सीख पाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे दोस्तों अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।